मैं इसी के साथ अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ, जय प्रताप सिंह जी को। आग बनकर खुद जल जाना चाहता हूँ मैं, आग बनकर खुद जल जाना चाहता हूँ मैं, पर अपने ताप से तुम्हें जगाना चाहता हूँ मैं। खुद जल जाना चाहता हूँ मैं, पर अपने ताप से तुम्हें जगाना चाहता हूँ मैं। बर्फ से क्यों जमे हो तुम, बर्फ से क्यों जमे हो तुम, पिघला कर तुम्हें एक धार बनाना चाहता हूँ। बहाना चाहता हूँ दिलों में बैठी नफरतों को मैं, बहाना चाहता हूँ दिलों में बैठी नफरतों को मैं, और उस राह पर अपनी राह बहाना चाहता हूँ मैं। पर आ जाए चैन अमन इस धरा पर, पर आ जाए चैन अमन इस धरा पर, फिर धरा की धूल बनकर कहीं भी बिखर जाना चाहता हूँ। एक सिंगार प्रश्न है, कुछ तो था उसके हुस्न में, कुछ तो था उसके हुस्न में जो मेरे दिल से कुछ कह गया, कुछ तो था उसके हुस्न में जो मेरे दिल से कुछ कह गया, एक ही झलक देखा उसको और मुझे सब कुछ मिल गया। कुछ तो था उसके हुस्न में जो मेरे दिल से कुछ कह गया, एक ही झलक देखा उसको और मुझे सब कुछ मिल गया। थी खड़ी वो गुलाब थी, थी खड़ी वो गुलाब थी, और खुशबू सा मैं उसमें सिमट गया, शीतलता भी था उसमें और सादगी भी, शीतलता भी था उसमें और सादगी भी, सुनापन भी था उसमें और रागनी भी। चंचल थी वो किरणों सी, चंचल थी वो किरणों सी, और मन से थी श्वेत चांदनी, शीतल शीतल अधर थे उसके जैसे पंखुड़ियों पे पड़ी हो कोई ओस की मोती, मध्यम मध्यम मुस्काती थी ऐसे जैसे मन में कोई खुशी छुपाती, छूती है मेरी नजरें हर वक्त उसको जैसे कली से कर रहा हो कोई भौरा छेड़खानी, जैसे कली से कर रहा हो कोई भौरा छेड़खानी। कि इस उम्र में जब कोई कभी ऐसी रचनाएं पढ़ने लगे तो उसके तजर्बे को, उसके एक्सपीरियंस को भी सलाम करना चाहिए।